शुरुआती दौर में हमने कुछ प्रोटोटाइप्स तैयार किए हैं और जो हमारी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है उनको हमने ये प्रोटोटाइप्स भेजे और भेजने के बाद जब उन्हीं ने हमको अप्रूव किया तो हमने टेलर्स को बिठा के यहाँ पे खुद ही स्टिचिंग गाउन्स की शुरू करवा दी और अभी तक लगभग हमने 120 गाउन्स बना लिए हैं और ये गाउन्स जब एक बार स्टिच हो जा रहे हैं तो ये मेडिकल कॉलेज में हम इसको स्टरलाइज करवा रहे हैं और स्टरलाइज करवाने के बाद इनको पैक करके अब हमने रखना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो डॉक्टर्स की अपनी सिक्योरिटी वाइज, तो किट्स चाहिए, मास्क उन्हें चाहिए और उसके अलावा जो है जैसे कि वेंटिलेटर्स का हो गया, वेंटिलेटर्स चाहिए, मरीज की जरूरत है। उसके अलावा फूड की जो बेसिक अब जो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता वो फूड की डेफिशिएंसी आ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जितने भी केशे हैं वो वहाँ पहुँच नहीं सक रही है, तो बेसिक अवेलेबिलिटी डे टू डे खाने पीने की चीजें उनकी डेफिशिएंसी हो रही है। सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि जितनी भी डोनेशन हो सके दें ताकि हम सांबा पिंडी में बैठ के जो आगे की चीजें उन्हें फॉरवर्ड करना है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो।